भूपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को नारायणगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक मेहता के निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अशोक मेहता की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में बहुत नुकसान हुआ और लोगों की जान भी गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। मुख्यमंत्री, मेरी कॉल रिकॉर्ड निकलवा लें कि मेरे पास कितने लोगों की ऑक्सीजन लेने और अस्पतालों में बेड लेने के लिए कॉल आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। आज देश में बदलाव का माहौल है, क्योंकि लोग त्रस्त हैं। जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, उनकी हवा निकल चुकी है। आज अर्थव्यवस्था चौपट होगी देश की, प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश तो खैर, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में, ये इस सरकार की उपलब्धि। नंबर वन हरियाणा। ये असंभव को संभव कर दिखाया बीजेपी की, जेजेपी की, हरियाणा सरकार। संभव ये था कि एक प्रदेश जो बिल्कुल दिल्ली के तीन तरफ हो, इतना बीचों बीच हो, और जो 2014 में निवेश में नंबर एक पे हो और प्रतिव्यक्ति आय में नंबर एक पे हो, उसमें आज 7 साल की सरकार के बाद यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी। अगर उस समय कोई ये बात कहता तो ये एक असंभव बात थी, ये कर आसान काम नहीं था, मगर उस असंभव को संभव कर दिखाया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, ये सरकार की, यानी कि कोई